क्योंकि हमारा एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वन इज कार्बोनिल एंड सेकेंड इज हाइड्रोक्सिल। सो इसमें जो नेचर होगा फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कैसा होगा, सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, दैट इज आर एंड सी ओ एंड ओ एच। ये जो स्ट्रक्चर है या जर्नल स्ट्रक्चर है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर व्हाट इज द नेचर और व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड और वेदर इट इज अ पोलर इन नेचर और नॉट। सो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है दैट इज कौन सा ग्रुप हो गया, दैट सी ओ एंड ओ एच, एंड आर और ए आर इट क्या जो साइड चेन है वो एल्काइल या एराइल दोनों में से कुछ भी हो सकती है। अब एज वी नो दैट जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज द पोलर इन नेचर एंड ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट विल जो हमारे पाई इलेक्ट्रॉन है टेक टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड अटेन अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड देन दिस कार्बन will attain a small positive charge on it. Then what will happen? The second structure is also available here. अब जो second structure है उसमें क्या है कि ये जो O और H के बीच में bond है, this oxygen, इस oxygen के पास पहले जो थे that it was having these six electrons, उसमें से दो electron bond participate कर रहे हैं और इसके पास भी six electron हैं और एक दो यहाँ में bond में participate कर रहे हैं। ये वाला जो oxygen है it will take the electron और hydrogen से ले लेगा और otherwise इसके पास lone pair भी है and it will give to the carbon जिसके ऊपर positive charge आ गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा हो गया, अब ऑक्सीजन जो है वो अपने वो अपने जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से वो ले गया है, इट विल अटेन अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल मूव टू दी किसके पास मूव हो जाएगा, जिस ऑक्सीजन ने इसे अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, उसने दे दिए हैं तो अभी इसके पास क्या है सिर्फ एक ही लोन पे रह जाएगा एंड दिस चार्ज विल कम ओवर हियर। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इस तरह से ये मूव कर गया, तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज है और दूसरे ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है। पहले हमने स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे जितने ज्यादा रेजोनेंट स्ट्रक्चर होंगे उतना ज्यादा जो कंपाउंड है वो स्टेबल होता है। तो एज कार्बोक्सिलिक एसिड, एज कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग रेजोनेंट स्ट्रक्चर, रेजोनेंट स्ट्रक्चर, सो कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिल जो हमारा कार्बोक्सिल जो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप मीन्स दैट इज सी O and OH is more stable, is more stable, कैसा हो जाएगा stable, is stable, तो यह stable हो गया है, तो जो ज्यादा stable होगा फिर वो थोड़ा reactive कम हो जाएगा and अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो bond या ये जो group है ये एक ही plane में है और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री और जो कार्बन है दैट इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो एज कंपेयर टू कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इट इज मोर स्टेबल एंड द कार्बन, जो कार्बन है हम कहते हैं कि जो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर, कार्बन कैसा होगा
इसका कार्बोनिल कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल है, जबकि जो कार्बोक्सिल जो कार्बन है ये कार्बोनिल कार्बन का है, ये कार्बोक्सिल कार्बन है, कार्बोक्सिल कार्बन जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ऐसा क्यों है? बिकॉज इसकी जो है रेजोनेंट स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिस भी किसी कंपाउंड में जितने ज्यादा रेजोनेंट स्ट्रक्चर होते जाते हैं वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाता है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इनमें जो एंगल है 120 डिग्री है, ये एक ही प्लेन में है, एंड दिस इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू द कार्बोनिल ग्रुप।